बाद संकल्प पत्र पर पूरा फोकस है। जनता से मिले सुझावों को संकल्प पत्र में जगह देगी भारतीय जनता पार्टी। विजय संकल्प यात्रा के दौरान मिले थे 78,000 से ज्यादा सुझाव, तो 78,000 से ज्यादा सुझाव जमा किए गए थे उत्तराखंड के लोगों से, और इन सुझावों को अब संकल्प पत्र में जगह देगी भारतीय जनता पार्टी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी का फोकस अब संकल्प पत्र बनाने में है, चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने में है, और जिसके लिए विजय संकल्प यात्रा निकाली गई थी जिसमें पूरे उत्तराखंड से लोगों से सुझाव मांगे थे। 70,000 से ज़्यादा सुझाव मिले और ये सुझाव अब संकल्प पत्र में जगह लेंगे। तो चुनावी घोषणा पत्र जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी का सामने आएगा, जिसे संकल्प पत्र का नाम दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो संकल्प पत्र तैयार करने में जुटी है उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी। और मेरे सहयोगी रोहित विक्रम सिंह और संजय जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सीधा रोहित का रुख करते हैं। रोहित, किस तरह के सुझाव मिले जनता से, उत्तराखंड की जनता से, जिसे भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र में शामिल करेगी, कोई जानकारी मिली इस बात की? जी देखिए रमन, हमें याद है कि 18 दिसंबर 2021 से गढ़वाल मंडल के लिए हरिद्वार से संकल्प विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत गढ़वाल मंडल के लिए की थी, और 19 दिसंबर को इसकी शुरुआत कुमाऊं मंडल के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की थी। करीब 25 दिन तक ये विजय संकल्प यात्रा चली, सैकड़ों किलोमीटर ये यात्रा चली और उत्तराखंड की 70 विधानसभा क्षेत्रों में ये यात्रा पहुंची है। ये एक प्रकार के LED वाहन थे, इसमें केंद्र सरकार की उपलब्धियों को, राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखा गया है और जनता से सुझाव भी मांगे गए थे। करीब 78,000 से अधिक जो है सुझाव जो है जनता के मिले हैं और सैकड़ों जो सुझाव पेटिका है इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में रखी हुई हैं। अब चूंकि नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है, अब भारतीय जनता पार्टी, हालांकि उसने पहले ये कहा था भारतीय जनता पार्टी ने कि नॉमिनेशन से पहले हम अपना संकल्प पत्र जारी कर देंगे, लेकिन प्रत्याशियों के चयन को लेकर पार्टी इतनी मशगूल रही कि फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। आज से संकल्प पत्रों को के निर्माण को लेकर के की तैयारी को लेकर जो उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो राज्यसभा सांसद नरेश बंसल हो या प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गरेवला हो, या तमाम बड़े नेता, इनके नेतृत्व में जो है भारतीय जनता पार्टी का आगामी 2022 का संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा। और जैसा कि आपने पूछा कि किस प्रकार के सुझाव मिले हैं, देखिए रमन, जनता की जो मूलभूत समस्या होती हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं, सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तमाम जो सुविधाएं हैं इन्हीं को लेकर जनता ने अपना जो है सुझाव जो है सरकार को दिया है, पार्टी को दिया है। और पहाड़ के जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, सीमांत क्षेत्र हैं, जहां अभी भी चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, लोगों को दूर दराज जाना पड़ता है, पानी के स्रोत जो पहाड़ों से आते हैं वहाँ से पानी लाना पड़ता है, तो संपूर्ण जो है विकास प्रदेश में हो जाए इसको लेकर जनता ने भारतीय जनता पार्टी से निवेदन किया है। 78,000 से अधिक जो सुझाव पत्र प्राप्त हुए हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं के द्वारा पूरा रैंडम जो है इसकी चेकिंग की जाएगी, सारे पॉइंट्स लिखे जाएंगे, उसके बाद इन तमाम जो बिंदुओं को अपने संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी समाहित करेगी और संभवतः इसी हफ्ते जो है भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र जो है जनता के समक्ष प्रकाशित कर देगी। और मेरे सहयोगी संजय भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो संजय, हरिद्वार जो कि धर्म नगरी भी कहा जाता है, आप लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं, यहाँ ऐसे क्या मुद्दे हैं जिसे हरिद्वार की जनता चाहेगी कि वो पहले संकल्प पत्र में दर्ज हो और अगर आती है सरकार बीजेपी की तो वो पूरे हों? देखिये रमन, निश्चित तौर पर अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और भारतीय जनता पार्टी अब संकल्प पत्र तैयार करने में जुट गई है। और अगर हरिद्वार की बात की जाए तो जिस तरह से यहाँ पर विजय संकल्प यात्रा का दौरा रहा, हालांकि हरिद्वार में 11 विधानसभाएं हैं और जब LED रथ के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने जनता के सुझाव मांगे तो ज्यादातर उनमें लोगों को रोजगार को लेकर समस्या थी, यहाँ के विकास को लेकर समस्या थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में महंगाई रही है उनको भी लेकर कहीं ना कहीं जनता के सुझाव रहे हैं। ऐसे में जनता को रोजगार चाहिए क्योंकि यहाँ पे सिडकुल है, उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिला है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी 2017 में आने के बाद लोगों को एक उम्मीद थी कि हमें रोजगार मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी जो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर रोजगार की कमी है। इसी को लेकर ही जनता ने अपने सुझाव भारतीय जनता पार्टी के जो रथ था उसमें सुझाव पेटी में डाले थे। हालांकि अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र तैयार करेगी उसमें देखना होगा क्या मुद्दे रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो
लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं उसी को लेकर जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी से कह रही है। और अब किस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में सत्ता में आती है तो किस तरह से जनता के वादे पूरे होंगे, ये देखने वाली बात होगी। रमन बिल्कुल संजय, रोहित आप बने रहिए, तमाम खबरों के अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे।